राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। मेले में शुरुआती दिन से व्यापारियों की आवाजाही देखने को मिली है। बता दें, इसी क्रम में अंतिम दिन में आम पब्लिक की भीड़ जुटना शुरू हुई है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मेले में शुरुआती दिन से व्यापारियों की आवाजाही देखने को मिली। बता दें कि इसी क्रम में अंतिम दिनों में आम पब्लिक की भीड़ जुटना शुरू हो गई। बड़े स्तर पर लगे इस व्यापार मेले में इस बार 25 राज्यों ने हिस्सेदारी ली और अलग अलग थीम पर आधारित पहचान को राज्यों के जरिए प्रदर्शित किया। मेले को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दर्शकों का कहना है कि इस बार ज्यादा जगह होने पर भीड़ जैसी दिक्कत विजिट में नहीं हो रही है, जिससे वीकेंड पर भी आसानी से घूमा जा सकता है। पहले आते थे तो मशीनरी होती थी, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट दिखाते थे कि हम किस उद्योग में कहां पहुंचे हैं। लेकिन आज के दौर में क्या है, यहां पे सिर्फ कपड़ा और हमारी किचन का सामान बिक रहा है, जो कि आम जगह है। यहाँ पे गवर्नमेंट को जो लगाना है ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे मतलब विश्व में क्या चल रहा है, क्या चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी आगे है और हम इंडिया में क्या ला सकते हैं। ये चीज़ नहीं है अब बिल्कुल भी। ट्रेड पहले से बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ज़्यादा अच्छा होता था। अब क्या हो गया है कि हर जगह मिक्सिंग होने से ना खिचड़ी सी बन गई है, उसमें वो मज़ा नहीं आता। पहले जैसे हम जाते थे, केरला जाते थे या पंजाब का पवेलियन होता था, MP का होता था, वो ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया तो कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी भीड़ भाड़ खिचड़ी सी बन गई, मज़ा नहीं आता, पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। वहीं कुछ ने यह भी बताया है कि पहले की अपेक्षा इस बार विश्व व्यापार मेले में खास चीजें देखने को नहीं मिली। ज्यादातर कपड़ों के स्टॉल और सजावट के सामान को दिखाया जा रहा है। इसके मुकाबले पहले आयोजित होने वाले मेले अलग थीम और कई अलग अलग चीजों को प्रदर्शित किया करते थे, जिससे विदेशों और राज्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। एक्सप्लोर अभी तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट जैसे पहली बार भी आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एंड बीइंग अ यंगस्टर वो चीज़ पता चलती है अपनी कंट्री के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इवन इंटरनेशनल के बारे में। बट पहले जो था डिफरेंट डिफरेंट पवेलियंस होते थे, तो दैट वाज मोर बेटर। अभी भी अच्छा है, बट अभी पूरा एक्सप्लोर करा नहीं है इस बार का, सो पता चल ही जाएगा आगे का भी। पढ़ा था इसके बारे में कि काफ़ी बड़ा ट्रेड फेयर लगा है, अच्छा लगा क्योंकि एक तो अलग अलग स्टेट से, काफ़ी स्टेट से दिखा, दूसरा ट्रूली इंटरनेशनल फेयर है क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीज़ें तुनिशिया एम्बेसी तुनिशिया से थे उन लोग से लिया, कजाकिस्तान वगैरह की चीज़ें थी। दूसरा जो अच्छा लगा वो है बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड में बना है, तो उससे भीड़ होने के बावजूद भी इधर शॉपिंग करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। काफ़ी जगह सुविधा वगैरह भी बहुत ही, जो वॉशरूम वगैरह की और उस तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो सब भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, तो आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहरहाल मेले का आयोजन 27 नवंबर तक किया जाएगा, ऐसे में संभावना है कि आखिरी दिनों में लोगों की भीड़ देखने को मिले। टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।